अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम इस्लामियात का पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओवरऑल ये 96 लेक्चर है और इनके रिकॉर्डिंग की स्लो होने की वजह ये है कि प्रॉपर रिसर्च के बाद हम ये वीडियोस आपके सामने लाते हैं। इस्लामियात एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में एक परसेप्शन ये है कि शायद इसको पास करना आसान है, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत सारे एस्पायरेंट्स इस सब्जेक्ट में फेल होते हैं। तो डोंट टेक इट ईजी, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है अगर इसको प्रॉपर टेक्निक से स्टडी किया जाए। तो इसके भी अपने रूल्स हैं कि कैसे आपने इसमें अच्छे मार्क्स लेने हैं। हम उन्हीं आज टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे कि आपने इस सब्जेक्ट में कैसे अच्छे नंबर हासिल करने हैं, और इसका पूरा सिलेबस का ओवरव्यू करेंगे, इसके पास पेपर्स का एनालिसिस करेंगे, और आपको एक आइडिया हो जाएगा इस टेक्निक से जो कि मैंने अडॉप्ट की थी कि आपने अपने सिलेबस या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है। उसका मॉडल आज हम आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट लैंग्वेज शुड बी यूज्ड। तो इसका जवाब ये है उर्दू या इंग्लिश। तो इसका जवाब है कि सी योर कम्फर्ट, मच डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ मटेरियल, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कुरानिक वर्सेस को कोट करना, अहादीस को कोट करना, सेइंग ऑफ द होली प्रॉफिट। इसमें फिर अगेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या अरबिक में करनी चाहिए। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि उसमें कोई गलती नहीं होगी, अराब बेशक ना लगाएं क्योंकि अराब लगाना थोड़ा सा ज़्यादा कम्प्लेक्स काम हो जाता है, अराब के बगैर आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन ये तब करें जब आप कॉन्फिडेंट हों कि आपको गलती स्पेलिंग की नहीं करेंगे। अदरवाइज इट इज इक्वली गुड कि आप जो है उसका ट्रांसलेशन उर्दू या इंग्लिश में जिसकी भी अटेम्प्ट कर रहे हैं उसी जबान में आप उसकी ट्रांसलेशन लिखें, और साथ उसका आयत और सूरह का रेफरेंस है वो दें। अहदीस को भी इसी तरह आप कोट कर सकते हैं, लेकिन ये भी साथ मेंशन करें कि ये सही बुखारी की है, मुस्लिम की है, तिर्मिजी की है, जो भी रेफरेंस है उसका साथ होना चाहिए। रिकमेंडेड बुक्स, कोई 40 करीब रिकमेंडेड बुक्स हैं और इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू कि आप सारी बुक्स को स्टडी करें। इसके लिए मैं ये कहता हूं कि आप इन बुक्स का रेफरेंसेस दे सकते हैं। इसके लिए मैं ये कर सकता हूं कि ये बुक स्टडी करने के बाद इनकी इसी तरह की मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन 10 से 15 मिनटों की हर एक बुक की मैं कोशिश करूंगा कि हर बुक के जो रेलेवेंट जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो इसी तरह मल्टीमीडिया पे आपको एक लेक्चर में दे दिए जाएंगे। जैसा कि ये एक किताब है इस्लाम एट द ग्रास रूट बाई मोहम्मद असद, ये बुक रिकमेंडेड बुक है और इसका भी मैं कुछ दिनों में आपके सामने लेके आऊंगा। ये जो बुक है इसे आप रेफरेंस दे सकते हैं कि इस्लामिक सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इन दोनों का फ़र्क क्या है, क्यों मुसलमान जो इंटेलिजेंशिया है वो मगरब से मरूब नज़र आती है, और फिर जो मुसलमान हैं वो क्यों इतने बैकवर्ड हैं। तो बेसिकली ये इस्लाम एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो डिफरेंस है उसके बारे में है। इसी तरह तमाम बुक्स की कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर जो है हर हर बुक के ऊपर एक एक लेक्चर जो है वो मैं दूं। इंग्लिश लैंग्वेज इज बेटर, अगर आप दोनों में इक्वली गुड हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर इसलिए भी करें क्योंकि ये इस कंटेंट को आप दूसरे पेपर्स में लाइक ऐसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जेंडर स्टडीज वगैरह में लगा सकते हैं, लेके आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेबस की और पास पेपर्स की। देखिए सिलेबस के अंदर इस तरह के 7 टॉपिक हैं इस्लामियात के सिलेबस में, जैसा कि ये पहला टॉपिक है, इस तरह के 7 टॉपिक तैयार करना होंगे। पहला टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, कंसेप्ट ऑफ इस्लाम, इंपॉर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ, डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन, डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम, इस्लामिक बिलीफ्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एंड द फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम, इस्लामिक वर्शिप, स्पिरिचुअल, मॉरल एंड सोशल इम्पैक्ट। इस्लामिक बिलीफ्स में आपके अकायदे जाएंगे, अकीदा तौहीद है, अकीदा रिसालत है, अकीदा आखरत है, फरिश्तों पर ईमान, ये सारे के सारे अकायदे जाएंगे। फिर इस्लामिक वर्शिप्स में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये जो है वो आ जाएंगे। तो ये है पहला टॉपिक, इस तरह के 7 टॉपिक होंगे। अब हम इस देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड पिछले पेपर्स में कैसे क्वेश्चन आए हैं। 2016 में सिलेबस चेंज होता है इस्लामियात का, या ओवरऑल सिलेबस इसका चेंज हुआ, तो 2016 के बाद का सिलेबस हम इसमें देखेंगे। 2016 के बाद के जो
पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं उनको देखेंगे। 2022 में और 16 में जो क्वेश्चन रिपीट हुआ, 2016 में भी आया, 2022 में भी आया, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन। यू कैन सी के दोनों सालों में यही ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। 2021 में व्हाट इज बिलीफ इन द डे ऑफ जजमेंट, एक्सप्लोर इट्स इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लाइव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। अकीदा आखिरत पे ईमान की बात हो रही है, तौहीद अकीदा तौहीद की बात हुई, इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिविजुअल लाइफ एंड सोसाइटी एलैबोरेट। 2019 में फिर दोबारा क्वेश्चन आया हज के बारे में, कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन हज एंड इट्स। जब बात होती है ना कॉम्प्रिहेंसिव नोट की, तो उसमें आपने फिर सारी चीजें लिख करनी है कि हज का अहकाम क्या है, हज की डेफिनेशन क्या है, फिर हज के अहकाम क्या है, हज के मुख्तलिफ जो मुनासिक हैं वो क्या है, प्रोसेस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, उसके फिर आखिर में आएगा स्पिरिचुअल मॉरल एंड सोशल इम्पैक्ट। राइट ए कम्प्रीहेंसिव नोट ऑन ज़कात सिस्टम ऑफ इस्लाम, इसमें भी कम्प्रीहेंसिव नोट की बात हुई, तो कम्प्रीहेंसिव में सारा चीज़ें लिखे आएंगे कि ज़कात का मतलब क्या है, इसका ये कब लागू होती है, इसका निसाब क्या है, इसका जो मसारिफ क्या है, और फिर इस आखिर में आएगा स्पिरिचुअल मॉरल एंड सोशल इम्पैक्ट। Who are entitled to receive zakat according to the Quran? Elucidating social impact of zakat, clarify how can poverty be elevated with its distribution in Islamic society. 2016 में क्वेश्चन आया नमाज के बारे में, define the meaning of prayer in its different categories. Also describe the spiritual, moral and social impact of prayers. तो मैं ये बता दूं कि इन सारे क्वेश्चन को जब भी आपने इस पहले टॉपिक को तैयार करना है तो साथ साथ ये तैयारी इतनी कम्प्रीहेंसिव होनी चाहिए कि ये पिछले क्वेश्चन तमाम को कवर कर सके और आने वाले क्वेश्चन को भी, फ्यूचर में जो क्वेश्चन आने हैं वो भी कवर करे। जैसा कि आपको पता है कि इनके बारे में, प्रेयर्स के बारे में क्वेश्चन आना है, जो अकीदा है उसके बारे में आना है, जो इबादत है उनके बारे में आना है। अब हम जाते हैं फिर दूसरा जो हमारा टॉपिक है, इस तरह के 7 टॉपिक्स हैं इस्लामियात के कोर्स का हिस्सा है, स्टडी ऑफ सीरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज रोल मॉडल फॉर इंडिविजुअल डिप्लोमेट एजुकेटर मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट पीस मेकर। ये आप देख सकते हैं कि 2022 में क्वेश्चन आया डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉफिटहुड एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ। इसको आप पहले टॉपिक के साथ भी डाल सकते हैं, अकीदा रिसालत उससे ये ज्यादा रिलेट करता है। Describe Hazrat Muhammad peace be upon him as the prophet of peace for the contemporary transnational world. अक्सर CSS में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कुछ सालों में ये ऐसे आता रहा Islam as a religion of peace, तो वो भी काफ़ी हद तक relate करता है इसके साथ। तो इस topic के जो arguments हैं आप वहाँ पर भी Islam as a religion of peace अगर इसके बारे में बात होती है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, यहाँ से content उसमें लेके जा सकते हैं। Discuss the status and grade of tolerance and forgiveness in the life of Holy Prophet. यहाँ से आपने सुनना से मिसालें देनी है। Give a general estimate of the Holy Prophet's peace be upon him character in the battlefield as a commander. उन जंगों में जो strategy थी उसकी बात करनी है। The Holy Prophet peace be upon him is the prophet of peace and treaty, peace and safety. Explain with arguments. Elucidate the Prophet of Islam peace be upon him. Exemplify how elucidate how the Prophet of Islam peace be upon him exemplified himself as the greatest peacemaker in the world by making reconciliation with pagans, Jews and Christians. So, आपने इसकी example देनी है. And describe the characteristics of military strategist in the light of Seerah of Muhammad, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, with arguments. तो यहाँ पे आपने ये करना है कि मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं इनके हम आने वाले लेक्चर्स में अपनी प्रेजेंटेशन में इनका जवाब आपको मिल जाएगा। जब भी आपने दूसरे टॉपिक को तैयार करना है, तमाम क्वेश्चन का जवाब उसमें होना चाहिए। तीसरा कंटेंट जो है वो है ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, डिग्निटी ऑफ मैन एंड वुमेन। ह्यूमन राइट्स एंड राइट्स ऑफ वुमेन जो है ये आपका जेंडर स्टडीज का टॉपिक भी तैयार हो सकता है, और यहाँ से अक्सर जो वुमेन के बारे में एक ऐसे आता है उसमें भी काफ़ी रेलेवेंट है ये जो सिलेबस आउटलाइन है।
Explain the concept of human rights in Islamic thought in the specification of status of women in Islam. ये अक्सर ऐसे में इस तरह का टॉपिक आ जाता है, status of women, women rights in Islam. 2021 में क्वेश्चन आया, Islam provides better rights to men and women than all other religions. Explore with arguments. The last sermon of the Holy Prophet peace be upon him is the basic document for awakening the conscious of mankind for human rights. Discuss. 2020 में जो क्वेश्चन आया है, इसी के से Islam teaches the lesson of human respect and dignity, irrespective of color, race and creed. तो इसमें आपने कुरान और सुन्ना से मिसालें देनी हैं, कुरान से आयत और सुन्ना से मिसालें और अहदीस. Describe the rights of women in Islam in context of current wave of the feminist movements. मैं ये कहता हूँ, अगर आप सही तरीके से इस्लाम में वुमेन के राइट्स स्टडी करें तो इस्लाम की एक तो आलमगीरियत का आपको आइडिया हो जाएगा. इस्लाम ने जिस दौर में औरतों को राइट्स दिए थे, वेस्ट ने वो राइट्स उस तरह से औरत को नहीं दिए, और ये अगर दिए भी हैं कुछ राइट्स तो बहुत बाद में आके दिए, 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, जबकि इस्लाम ये जो राइट्स थे ये अपनी रेवोल्यूशन के साथ ही इस्लाम ने ये राइट्स दे दी है. हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने कुरान में जो इस्लाम औरत के राइट्स बताए गए, मसलन जो राइट्स टू इनहेरिटेंस है, ये इतना बड़ा राइट है कि आपको ये जो करंट वेव ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं ये आपको फील होगा कि किस कदर ये इस्लाम के पर्सपेक्टिव को समझे बगैर की ये मूवमेंट्स हैं. जो मेरा ओपिनियन है, मैं यही कहूँगा, अगर आप इसको इस तरीके से देखें तो आपको समझ आएगी. एटलीस्ट आपको ये स्टडी करनी चाहिए कि औरतों के क्या राइट्स दिए थे इस्लाम ने और किस दौर में दिए थे, और वो राइट्स आज तक वैलिड हैं और आने वाले दौर तक, जब तक ये दुनिया कायम है, वो राइट्स वैलिड रहेंगे. राइट ए कम्प्रिहेंसिव नोट ऑन द राइट ऑफ इनहेरिटेंस ग्रांटेड टू वुमेन बाई इस्लाम. यही वो राइट है जिसकी मैं बात कर रहा था. इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर मीनिंग एंड, ये चौथा टॉपिक है, इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर मीनिंग एंड वाइटल एलिमेंट्स, रोल ऑफ सिविलाइजेशन इन डेवलपिंग इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड कम्युनिटीज, दिस डिस्टिंक्शन ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन, जिसमें ये है तौहीद है, स्पिरिचुअलिज्म है, आइडेंटिटी ऑफ मैन है, इक्वलिटी है, सोशल जस्टिस है, मॉरल वैल्यूज हैं, टॉलरेंस है, रूल ऑफ लॉ है. अच्छा, यही चीज़ें हैं जो आप जिनको डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन में भी लेके जा सकते हैं, जो ये टॉपिक है जो फर्स्ट हमने देखा. इन चीज़ों को मोस्टली ये वही चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर लेके आ सकते हैं, डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम, ये किसी हद तक उससे रिलेट करता है. ये सिविलाइजेशन के पर्सपेक्टिव के हवाले से है, तो इन पे हमने बात करनी है. अब देखते हैं इनमें सवाल कैसे आए. 2019 में सवाल आया, थ्रो लाइट इन डिटेल ऑन द मॉरल वैल्यूज सिस्टम ऑफ इस्लाम एज ए सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन. डिस्क्राइब इन डिटेल द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन. इसमें ये जो मोहम्मद की किताब है इस्लाम एट द ग्रास रूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और भी जो बुक्स हैं इंशाल्लाह उनका मैं रेफरेंस और उनकी जो ऐसे ऐसे इक्तबासात हैं वो एक प्रेजेंटेशन में आपके सामने रखूंगा, ताकि आपको उन पर ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत ना पड़े. व्हाट इज मेंट बाय कल्चर एंड सिविलाइजेशन, डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक कल्चर. ये 2016 क्वेश्चन आया. फिर पांचवा टॉपिक जो है वो है इस्लाम एंड वर्ल्ड, इम्पैक्ट ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन ऑन द वेस्ट एंड वाइस वर्सा, the role of Islam in the modern world, Muslim world and the contemporary challenges, role rise of extremism. इसमें भी ये किताब जो है Islam at the Crossroads जो बहुत वैलिड है. Just for example, बाकी बुक्स भी वैलिड हैं, लेकिन सिविलाइजेशन के परस्पेक्टिव से ये बुक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. तो अब ये पांचवा टॉपिक है. आप समझ रहे होंगे कि हम पहले उस सिलेबस के टॉपिक को हिट कर रहे हैं, फिर उसके साथ साथ डालें इसके बारे में क्वेश्चन कैसे आए हैं. 2021 में क्वेश्चन आया, कमेंट ऑन द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम रिगार्डिंग कोएग्जिस्टेंस इन ए मल्टी फेथ सोसाइटी. इस्लामोफोबिया एज अ साइन ऑफ एक्सट्रीमिज्म, गिव सजेशन फॉर इट्स रेमेडी.
इस्लामोफोबिया के बारे में मेरा लेक्चर हमारे चैनल पे मौजूद है, करंट अफेयर की लिस्ट पे, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर है और उसमें मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी कोशिश ये होती है कि आपको किसी और सोर्स को कंसल्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आपने सीएसएस में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स को स्टडी करना है। हर एक टॉपिक की एक खास हद से ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ पासिटी ऑफ टाइम एंड अपने आप को कन्फ्यूजन से बचाने के लिए। तो इस्लामोफोबिया के बारे में टॉपिक जो मेरा मौजूद है उसको आप जरूर स्टडी करें और देखें कि किस हद तक वो कॉम्प्रिहेंसिव है। होपफुली वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल फील होगा। इज एक्सट्रीमिज्म ए चैलेंज टू इस्लाम, डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस फेस्ड बाय मुस्लिम उम्मा। ये जो चैलेंजेस हैं बाय मुस्लिम उम्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है और ये ऐसे में भी आ सकता है, करंट अफेयर का भी टॉपिक बन सकता है। पॉइंट आउट द मोटिव ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, हाउ कैन दिस सोसाइटी गेट रिड ऑफ टेररिज्म। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, पाकिस्तान अफेयर का भी क्वेश्चन है। 17 में क्वेश्चन आया, एनुमरेट द रीजन ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान एंड सजेस्ट सॉल्यूशंस टू इरेडिकेट इट इन द लाइट ऑफ इस्लामिक टीचर। ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, ऐसे में भी इस तरह के टॉपिक्स जो है वो आ सकते हैं। 2016 में क्वेश्चन आया, व्हाट आर द कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, सजेस्ट इट सॉल्यूशन इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना। छठा टॉपिक जो है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इन इस्लाम, जो कि मैं बात कर रहा था कि ये जो टॉपिक है ये आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप इक्वली दोनों के ऊपर ग्रिप है तो इवन देन यू शुड ऑप्ट फॉर इंग्लिश, कि आप सीएसएस की जो इस्लामियात है इसको इंग्लिश में अटेम्प्ट करें, ताकि बहुत सारा कंटेंट आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी इधर लेके आ सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ पब्लिक, और यहाँ का वाला कंटेंट जो है उधर लेके जाया जा सकता है, उसके पेपर में यूज कर सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इस्लाम, कुरानिक गाइडेंस ऑन गुड गवर्नेंस, कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस एंड इट्स अप्लीकेशन इन द लाइट ऑफ कुरान सुन्ना एंड फिका, गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन इस्लाम, शुरा लेजिस्लेशन, सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, गवर्नेंस अंडर खिलाफत राशिदा, प्रेयर्स कैलिफेट, पार्टिकुलर लेटर ऑफ हजरत उमर रजी अल्लाह अनहो एंड हजरत अली रजी अल्लाह अनहो टू डिफरेंट अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिविल सर्वेंट्स, सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन इस्लाम। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है और ये आपके एसे में भी पूछे जा सकते हैं, इससे मिलता जुलता टॉपिक आ सकता है। गुड गवर्नेंस के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, गुड गवर्नेंस के बारे में ऐसे अक्सर पूछा जाता है, करंट अफेयर में भी ये रेलेवेंट है, पाकिस्तान अफेयर में भी आप इसे हेल्प ले सकते हैं, और इवन अगर ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो रेलेवेंट ये है ही है। एक्सप्रेस दी प्रिंसिपल, अब इसके इस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन कैसे आए इसको हम देखते हैं। एक्सप्रेस दी प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ रूल्स, अकाउंटेबिलिटी ऑफ रूलर्स अकॉर्डिंग टू दी होली कुरान एंड सुन्ना। 2020 में क्वेश्चन ऐसे आया, राइट ए कम्प्रीहेंसिव नोट ऑन दी ब्रेवरी एंड जुडिशियल ऑन दी ब्रेवरी एंड जुरिडिकल विजडम ऑफ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। हाईलाइट दी जुरिडिकल से मुराद है कि फिका के बारे में और लॉ के बारे में किसी इंसान की जो विजडम है उसको जुरिडिकल विजडम कह सकते हैं। हाईलाइट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन द लाइट ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स। हाउ आर दी राइटली गाइडेड कैलिफ कैलिफ्स फॉर इलेक्टेड, टू वट एक्सटेंड देयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बी रिगार्डेड एज डेमोक्रेटिक। ये तमाम खुलफाए राशिदीन का जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको आपने डिस्कस करना है। हाईलाइट द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इस्लाम, एक्सप्लेन दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिविल सर्वेंट्स। 2016 में क्वेश्चन आया, डिस्कस द सेलियंट फीचर ऑफ इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम इन द लाइट ऑफ गवर्नेंस एंटरप्राइज खिलाफत राशिदा। चारों खुलफाए राशिदीन की आपने उनकी गवर्नेंस की जो है वो सेलियंट फीचर्स को डिस्कस करना है। सातवां जो है सिलेबस का टॉपिक, इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ, सेलियंट फीचर्स ऑफ इस्लामिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, जुडिशल सिस्टम,
और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, प्रोसीजर ऑफ इजमा एंड इज्तिहाद। कैसे क्वेश्चन आए? 2022 में ये क्वेश्चन आया, राइट डाउन द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स, हाउ डू दीज प्रिंसिपल्स प्रोवाइड सोल्यूशन टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, एलेबोरेट ऑन द कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इतिहाद एंड एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल्स, इस्लामिक फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इज द सोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स डिस्कस, गिव सजेशंस टू रिफॉर्म पाकिस्तानी पॉलिटिक्स कीपिंग इन व्यू द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पोलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डेमोक्रेसी में इसको काउंट कर सकते हैं, इसको डेमोक्रेसी में लेके आ सकते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम इसको डिस्कस कर सकते हैं। 2018 में क्वेश्चन आया, डिफाइन इतिहाद आल्सो हाईलाइट इट्स कंटेम्प्रेरी इंपॉर्टेंस इन द लाइट ऑफ इस्लामिक फिका। इजमा के बारे में क्वेश्चन आया 2017 में, डिफाइन इजमा कंसेंसस एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट काइंड्स, हाईलाइट इट्स इंपॉर्टेंस इन द लाइट ऑफ द कुरान एंड सुन्ना। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मिसलेनियस थे, ये आप किसी कैटेगरी में अगर आपको लगे कि किसी खास जो टॉपिक है उसके अंदर आ सकते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगा कि ये टॉपिक जो है मिसलेनियस है, ये डायरेक्टली शायद उस तरीके से किसी कैटेगरी में किसी सब्जेक्ट में फॉल नहीं करते, किसी भी सिलेबस आउटलाइन में, तो इनको हमने सेपरेट लिख दिया है। एक्सप्लेन द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी इन द लाइट ऑफ इस्लामिक टीचिंग। मेरे ख्याल में ये जो क्वेश्चन है ये आखिरी टॉपिक से रिलेट करता है, ये जो है सोशल सिस्टम, यानी इसका नॉलेज आप उसमें उसको इम्प्रोवाइज उस टॉपिक को अटेम्प्ट करने के लिए सोशल सिस्टम को आप जो नॉलेज होगा उसको यूज करेंगे सातवें टॉपिक से। फिर है एक्सप्लोर दी इम्पोर्टेंस ऑफ सूफीज्म टू स्प्रेड आउट इस्लाम, इज दी एमेलोरेशन ऑफ करंट डेविएशन पॉसिबल थ्रू सूफीज्म, क्या बेहतरी जो है वो मुमकिन है सूफीज्म से, करंट जो डेविएशन हो गई है या जो हम कुरान एंड सुन्नत से दूर हो गए हैं, क्या इसकी पॉसिबल है, इसकी बेहतरी, इसको बेहतर किया जा सकता है सूफीज्म से। 2021 में फिर क्वेश्चन आया, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग ट्रिटी ऑफ हुदैबिया एज ए पीस एज ए पैक्ट ऑफ पीस, ये रिलेट करता है सीरा से, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोल है एज ए पीस मेकर उसमें इसका एग्जांपल आ सकती है, इसके बारे में आपको नोट लिखना है। बेनिफिट्स एक्वायर्ड फ्रॉम बैटल ऑफ खैबर, ये क्वेश्चन था। 2020 में क्वेश्चन आया, डिस्कस इन डिटेल द प्रिंसिपल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन फॉर जिहाद इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना। अगेन 2020 में क्वेश्चन आया, एनालाइज द मदीना अकॉर्ड एज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन डिटेल, मिसाके मदीना, ये भी सुन्ना के अंदर इस टॉपिक को लिया जा सकता है। 2018 में क्वेश्चन आया, व्हाट इज सेल्फ प्यूरिफिकेशन एंड एहसान, एक्सप्लेन इट इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना, आल्सो डिस्क्राइब इट्स इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव इंपैक्ट्स। 17 में क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना एंड इट्स इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। थैंक यू सो मच। तो ये जो लेक्चर था, वीडियो थी, ये बेसिकली इस चीज के बारे में थी कि आपने सिलेबस को स्टडी कैसे करना है। जब भी आप सिलेबस देखें, सिलेबस को इसी तरह आप सेपरेट करें और हर एक आउटलाइन, हर एक हेडिंग, हर एक जो डिफरेंट किस्म का, मिसलन इस सिलेबस को FPSA ने सात टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है, यानी ये सातवां टॉपिक है, इससे पहले छठा टॉपिक था, और हर टॉपिक का आपने फिर ये निकालने हैं कि प्रीवियस पेपर्स में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो इस तरीके से ये आपने तैयार करना है। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे अगले लेक्चर के साथ जो कि हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे। कोशिश तो ये करेंगे कि ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है इसको एक लेक्चर में तो शायद मुश्किल हो, लेकिन हम इसको सीक्वेंस के साथ, पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर कंसेप्ट, इसी सीक्वेंस से हम वीडियोज अपलोड करेंगे और इस तरीके से वीडियोज अपलोड करेंगे कि आपकी ये तमाम जो क्वेश्चन हैं ये भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। अपना ख्याल रखें।
अल्लाह हाफिज़।